हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1839 में, यानी 1839 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जफर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण की पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। तो इसे बोलते हैं एम्ब्लायोपिया को हम लेजी आई के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बता दें आपको कि यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार जो है वो एलिसा ग्रेवेस ओटिस के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये मिजोरम में स्थित, यानी मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो लखीमपुर खीरी, यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा नांगल बांध किस तट पर स्थित है। ये हमारा सतजुल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो महात्मा गांधी सेतु, जिसे गंगा नदी भी कहते हैं, वो भारत के नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। ठीक है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु। भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी, यानी यात्रियों के लिए पहली बार ट्रेन चली थी हमारी 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, यानी भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 56वें संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु संविधान किसे कहा जाता है। तो बैलसवा संवैधानिक संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हाईकोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये हमारे 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ये जैन धर्म के हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो बखीरा पक्षी विहार हमारा बस्ती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है। तो जो है बजट जो है वो हमारे भारत के संविधान में लिखित शब्दावली नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का, यानी ग्रीन मफलर का प्रयोग या ग्रीन मफलर वर्ड का प्रयोग किया जाता है ध्वनि प्रदूषण के बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विष्णु प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा की नदियों के बीच में स्थित है, यानी संगम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है, यानी लाइफ ऑफ माई टर्म ये शरद पवार की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है,
गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो बता दें आपको, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहकर होती बहती है होकर बहती है। और आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। अगला क्वेश्चन, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा हम चंदौली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, नौटंकी और झोरा किस राज्य का नृत्य है? नौटंकी और झोरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? प्रथम जनगणना हमारी 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16, यानी 16 संस्कार होते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का पहले यानी प्राचीन नाम अवंतिका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टांका किसकी मिश्र धातु है? तो टांका टिन और शीशे की मिश्र धातु है। बैलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बैलूर मठ हमारा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला हरिहर क्षेत्र का मेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की मीनार इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है भारत का जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 49 क्वेश्चन चलते हैं, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ, ठीक है। संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। आशा करते हैं आपको ये 50 क्वेश्चन जीके के समझ में आए होंगे, और आप अगर इसे आप एक बार सरसरी नज़र से देख भी लेंगे तो ये आपका पेपर में यानी यूपी कांस्टेबल के पेपर में अगर आता भी है तो आप इसको बहुत सही से उत्तर दे पाएंगे। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।